नमस्कार, नौ बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज से विधानमंडल का। यहां पर मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा और मॉनसून सत्र में यहां सरकार अपनी तैयारी के साथ आएगी, विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। आपको बताते आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से 26 जुलाई तक चलेगा। विधानमंडल का सत्र 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामे के आसार, कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाए जाएंगे। आंकड़ों के जरिए विपक्ष को जवाब देगी सरकार। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होगी। पहले दिन विधानसभा में आगरा के विधायक रहे जगन प्रसाद गर्ग के निधन पर शोक प्रस्ताव आएगा। 7 दिन के सत्र में 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस पर 24 जुलाई को चर्चा होगी। सत्र के दौरान 22, 25 और 26 जुलाई को विधायी कार्य होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर हंगामे के आसार हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य में कानून और व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारों की समस्याओं पर पुरजोर तरीके से जोर डालेंगे, उन्हें उठाएंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि वो आंकड़ों के साथ विधानसभा और विधान परिषद में मौजूद रहेगी और विपक्ष के हमलों का जोरदार जवाब देगी। तो आज से यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होगा। 26 जुलाई तक चलेगा विधानमंडल का सत्र। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कानून व्यवस्था, किसान, बेरोजगारी, ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जो मॉनसून सत्र में विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे। लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में आएगी और आंकड़ों के साथ जवाब देगी विपक्ष को। ये तैयारियां पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से की गई हैं मॉनसून सत्र को लेकर। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलेगा। 11 बजे से विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और पहले दिन विधानसभा में आगरा के विधायक रहे जगन प्रसाद गर्ग के निधन पर शोक प्रस्ताव आएगा और 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस पर 24 जुलाई को चर्चा होगी। 22, 25 और 26 जुलाई को विधायी कार्य होंगे। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था, किसान और बेरोजगारी, इनको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पर हमलावर दिखेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम सिंह राठौर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू है, कितनी तैयारी सत्ता पक्ष की, कितनी विपक्ष की और कौन से मुद्दे रहेंगे हावी? जी देखिए, बिल्कुल आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू है। 11 बजे से यह सत्र शुरू हो जाएगा। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की भी बड़े स्तर पर तैयारियां हैं सरकार को घेरने की। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार विपक्ष उठाता रहा है, उन चीज़ों को लेकर बड़े स्तर पर सवाल विधानसभा में भी विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा विपक्ष के लिए और सरकार को घेरने का पूरा प्रयास विपक्ष करेगा इसमें। साथ ही साथ शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर भी बड़े स्तर पर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से अगर सत्र की बात की जाए तो 8 दिन का सत्र है, इसमें पूरी तरीके से पूरक बजट यानी कि जो विकास योजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि बड़े स्तर पर सरकार का फोकस ये होगा कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो बजट के वजह से जो रुके हुए हैं या बजट जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत बढ़ गई है और जो जिनका वो बजट और अलग से देना है, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से सरकार अपना जोर लगाएगी। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। माना जा रहा है कि बजट जो सत्र है वो 11 बजे शुरू होगा और उससे पहले ही विपक्ष हंगामा शुरू करेगा, पूरी तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और कल जिस तरीके से सोनभद्र की बात हो या संभल की बात हो, जो घटनाएं सामने आई हैं उनको लेकर भी बड़े स्तर पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा सकता है। तो यानी कि माना जा रहा है कि ये जो 8 दिन का मानसून सत्र है, हालांकि छोटा है लेकिन इसमें भी काफी हंगामेदार होगा। बिल्कुल विक्रम, हंगामे के आसार पूरे इस मानसून सत्र में जताए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष किस तैयारी के साथ आया ये हमने बात की, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों पर हावी होगा, सरकार पर कोशिश करेगा, वो मुद्दे कौन से होंगे और विपक्ष की कितनी तैयारी है? देखिए, विपक्ष की जैसे मैंने बताया, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष ने कई मुद्दे तैयार किए हैं। कल जिस कांग्रेस विधानमंडल दल की भी बैठक हुई है, समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की भी बैठक हुई है
और पूरी तरीके से इसमें किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है इसके लिए पूरी चर्चा हुई है, किन एजेंडे को उठाना है उसको लेकर पूरी तरीके से चर्चा हुई है। और इस बैठक में साफ किया गया है कि जो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा विपक्ष के लिए, संभल और सोनभद्र की जिस तरह की सकल घटनाएं हैं उस पर लगातार विपक्ष अपनी नजर बनाए हुए हैं, सारे अपडेट विपक्ष के पास है और माना जा रहा है कि आज सुबह से ही विपक्ष कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर भी बड़े स्तर पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है कि विपक्ष की पूरी जो तैयारियां हैं सरकार को शिक्षा और बेरोजगारी और रोजगार खासकर के नाम पर फंसाने का काम होगा। पूरी तरीके से विपक्ष माना जा रहा है 11 बजे से जो आज सत्र शुरू होगा, 11 बजे से पहले ही विपक्ष पूरी तरीके से हंगामेदार होगा और सरकार को सत्र शुरू होने से पहले यानी 11 बजे से पहले ही सरकार पर अपना प्रेशर बनाना शुरू कर देगा विपक्ष। बिल्कुल प्रेशर बनाना शुरू कर देगा और जो सत्ता पक्ष है वो भी आंकड़ों के साथ जवाब देगी सदन में विपक्ष को। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।